दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पर बातचीत कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो सीरीज चलती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होकर चलती है। एक तो रहता है डेली करंट अफेयर, वो आपको डेली दिया जाता है। सुबह के 5 बजे आपको करंट अफेयर का वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें वीकली करंट अफेयर को कवर कराया जाता है। तो हर संडे को हम लोग पूरे एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं जिससे हमारा वीकली करंट अफेयर तैयार होता है। और उसके अलावा हर महीने जो है मंथली करंट अफेयर दिया जाता है। और साथ ही साथ इन तीनों को समराइज करके इनको अलग अलग भागों में बांट करके टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनाया जाता है। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न, यानी पिछले 6 महीनों में टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनसे संबंधित क्या क्या करंट अफेयर आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी वाले सीरीज से आपको यह पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज दुनिया में हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं जिन्हें आप सभी जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो बड़ा स्पेशल और बहुत ही प्यारी सी सीरीज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो करंट अफेयर ही नहीं, आपको अगर सब्जेक्टिव पढ़ना है तो पूरे यूट्यूब पर एकमात्र चैनल स्टडी 91 है जहां पर आपको सभी विषय चैप्टर वाइज मिलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है और आप अपनी बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमेशा वीडियोज मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि स्पेसएक्स पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की तैयारी के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च करेगा और यह कब अपनी तैयारी कर रहा है। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न पढ़ा दूं उत्तर बता दूं, ऐसा नहीं है, आपको जानना होगा आखिर में मुद्दा क्या है, यह स्पेसएक्स क्या है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देखते हैं दोस्तों। यह जो स्पेसएक्स है दोस्तों एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है और यह कंपनी है अमेरिका की, यानी यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और यह नासा को सहयोग दे रही है। क्या दे रही है? नासा को सहयोग दे रही है। नासा जैसे हमारे यहां पर जो हमारी एजेंसी है उसका नाम है इसरो, उसी तरह से अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है क्या? नासा नाम है। तो नासा को सहयोग करती है स्पेसएक्स कंपनी। इस स्पेसएक्स के मालिक का नाम क्या है? एलन मस्क है। क्या नाम है? एलन मस्क इसका नाम है। और ये जो है एक मिशन बना रहे हैं जिसमें यह अंतरिक्ष यात्रियों को कहां भेजेंगे? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेंगे, ठीक है। तो यह कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। मई 2020 में यह परियोजना शुरू होने जा रही है। इसके लिए दो अलग अलग लोगों को चूज भी कर लिया गया है और जो स्पेसएक्स का रॉकेट है जो इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जाएगा उसका नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है? फाल्कन 9। तो इतना प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। फाल्कन 9 याद रखिए, एलन मस्क का नाम याद रखिए, नासा की सहयोगी है यह याद रखिए, अंतरिक्ष यात्रियों में दो अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हो चुका यह याद रखिए, और मई 2020 में यह जो है अपना मिशन स्टार्ट करने वाला यह भी याद रखिए। हो सकता है परीक्षा में आपसे उन दो अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पूछ दे, तो याद रखिएगा बाब बेहनकेन और डग हर्ले, ये दो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको चूज किया गया है इस परियोजना के तहत। समझ में आ गया ना? इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई? जी हां दोस्तों, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, कोलंबिया विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने कुल 17 नए ग्रहों की खोज किया, ठीक है। और ये जो 17 नए ग्रह है ना, ये यहां पर एक पॉइंट, जब ये खोज हुआ था तो एक पॉइंट आया था सामने कि ये 17 के 17 ग्रह जो है दोस्तों ये गोल्डी लॉक जोन में है। किसमें है? गोल्डी लॉक जोन। अब आपके सामने एक नया शब्द आ गया, ये गोल्डी लॉक जोन होता क्या है दोस्तों? गोल्डी लॉक जोन का अर्थ है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो है यह गोल्डी लॉक जोन में होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है दोस्तों? सूर्य जो आप जानते हैं, सूर्य एक तारा है और जो अन्य ग्रह हैं यह सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। सूर्य के जो नजदीक में ग्रह हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सूर्य से बहुत दूर जो ग्रह हैं जैसे अरुण वरुण वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसे में एक ऐसा स्थान जहां पर टेम्परेचर न तो बहुत ज्यादा हो न तो बहुत कम हो,
वो सबसे स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें हमारे पृथ्वी पर, जिसमें हमारे सौरमंडल में दो ग्रह आते हैं। एक आता है पृथ्वी, पृथ्वी दोस्तों याद रखिएगा गोल्डी लॉक जोन में है, और दूसरा आता है मंगल, पृथ्वी और मंगल। इसीलिए दोस्तों जीवन की संभावना इन दो ग्रहों पर सबसे ज्यादा है, पृथ्वी पर तो है ही है और दूसरे नंबर पर मंगल ग्रह आता है जिस पर जीवन की संभावना की तलाश की जा रही है। क्यों? क्योंकि यह गोल्डी लॉक जोन में है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, ऐसे में यह पृथ्वी के समान है। तो ये जो 17 ग्रह खोजे गए हैं ये गोल्डी लॉक जोन में, हालांकि हमारे सूर्य के पास नहीं है, ये किसी अन्य तारे का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो इनकी दूरी है ये जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है इतनी दूरी के आसपास में है और ये स्पेशल जोन है, ऐसा माना जा रहा है यहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो याद रखिएगा ये 17 ग्रह हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक सेवानिवृत्त सैटेलाइट था जिसका नाम था केपलर, उसके तहत जो इसको खोजा गया था, तो उसको भी आप याद रखेगा। 5 मार्च 2020 को इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले नए उपग्रह का नाम क्या है? इसरो एक नया उपग्रह लॉन्च कर रहा है, आपको बताना है उस नए उपग्रह का नाम क्या है। 5 मार्च अभी होने के ठीक पहले ही इस उपग्रह को जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेगा इसका नाम है GI SAT-1। क्या नाम है? GI, जहां पर GI माने क्या होता है, ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, इसीलिए इसको बोला जाता है GI SAT। जी माने जियो, आई माने इमेजिंग, जियो माने यानी ये जो धरती है, जो भू है, यानी भू माने भारत की भूमि, भू माने अच्छा इसरो कहां की एजेंसी है, भारत की एजेंसी है ना, तो इसको मतलब किससे, भारत की भूमि से मतलब है। तो याद रखिए भारत की भूमि की इमेजिंग करेगा या ऐसी सैटेलाइट है, इमेजिंग मतलब उसकी हमेशा निगरानी करेगा, तो बहुत ही बढ़िया सैटेलाइट है, याद रखिएगा। इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, लिख रहा है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, इसको याद रखेगा। 5 मार्च 2020 को इसको प्रक्षेपित किया गया, इसके लिए किस रॉकेट को लगाया गया था, GSLV F10, ठीक है, F10 याद रखेगा, ये रॉकेट लगाया। देखिए क्या होता है ना, एक व्हीकल होता है, एक सैटेलाइट होता है, जो व्हीकल होता है उसी के द्वारा यह सैटेलाइट को ले जाया जाता है, तो व्हीकल का काम होता है सैटेलाइट को पहुंचाना, तो यहां पर जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया वो था GSLV F10, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यही सब होता है। आप क्या करते हो, आप करंट अफेयर इसलिए पढ़ते हो कि हमारे परीक्षा में आएगा सर, अरे परीक्षा में बाद में आएगा, पहले आप जानो कि आपके लिए जरूरी क्या है। ये सारी चीजें आपके देश में हो रही हैं, आपको याद नहीं रहता, आपको पता नहीं होता, भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप ऐसे रहोगे तो आप कल्पना कैसे कर लेते हो कि एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और आप कर ले जाओगे। पहले आप ये तो आपका दिल की तसल्ली, आपके दिल की तसल्ली तो हो जाए कि नहीं आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है और बहुत मेहनत से पढ़ रखा है। जब आप हमारे साथ आएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उसके प्रभाव से जो है आप और अच्छा कर पाएंगे। देखिए दे रहा भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन। अभी तक आपने जितने भी रोबोट देखे होंगे वो रोबोट हवा में चलते हैं। क्या कभी आपने सुना था कि जल रोबोट भी बन सकता है, यानी एक ऐसा रोबोट ड्रोन, एक ऐसा रोबोट ड्रोन जो पानी के अंदर जाएगा और पानी के अंदर की चीजों की छानबीन करेगा। तो एक ऐसा रोबोट जो है डेवलप किया गया है और इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO, लिख रहा है भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ठीक है, तो याद रखेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको DRDO कहा जाता है और DRDO द्वारा बनाया गया और नौसेना को सौंपा गया। क्यों? क्योंकि नौसेना ही जल में रहती है, तो जल में अंदर जाकर के किसी चीज को रिसर्च करना हुआ, अगर उनको देखना हुआ, जांच पड़ताल करनी हुई, तो वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहां पर आपको इमेज भी दिख रहा होगा, आपको इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या, लिख रहा है IROF TUNA, IROF TUNA, IROF FISH, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों इसका नाम है IROF TUNA। क्या नाम है? IROF TUNA इसका नाम है, तो इसका नाम आप याद रखेगा TUNA, ठीक है, और IROV है, यहां पर IFOF लिखा हुआ है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। भाई जितनी बातें थी मैं आपको बता दिया, उससे ज्यादा बातें यहां पर नहीं है और ना ही आपको जानने की जरूरत है। हां एक लाइन जान सकते हैं कि इसको डेवलप करने में कोच्चि स्थित जो स्टार्टअप कंपनी थी उसका भी योगदान रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में
चार्जिंग स्टेशन के बीच दूरी कितनी होगी। दोस्तों आप सभी को पता है धीरे धीरे भारत सरकार अपनी निर्भरता तेलों के ऊपर कम करते हुए धीरे धीरे व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की बात कर रही है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी व्हीकल मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, तो याद रखिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा तो भाई इलेक्ट्रिक से चार्ज भी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप घर से चार्ज करके निकलोगे, तो जिस तरह से रास्ते में पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरह से रास्ते में इस तरह से आपके चार्जिंग पॉइंट बने होंगे जहां पर जा करके आप अपने गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग पॉइंट कितने दूरी पर होगा, इसके लिए सरकार ने कहा है कि 25 किलोमीटर पर होगा। कितने पर? 25 किलोमीटर। वहीं अगर बात आती एनएच की तो यहां पर इसकी सीमा 100 किलोमीटर पर तय की गई है एनएच पर। ठीक है, और बाकी नहीं तो फिर कितने पहुंच जाएगी, तो याद रखिए 25 किलोमीटर पर आपको इस तरह के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में स्टार्ट की गई। ठीक है, तो दोस्तों यह इलेक्ट्रिक बस है और इसको शुरू किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र से पुणे थोड़ी लंबी सफर करने वाली है और नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मुंबई और पुणे के बीच सप्ताह में 2 दिन तक यह बस चलाई जाएगी। 43 पैसेंजर बैठ सकते हैं इस बस में और 300 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है एक बार चार्ज करने पर यह बस। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए इसको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया गया, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया गया। ठीक है, आगे देखिए, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है। दोस्तों अभी तक तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम सुना होगा, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट सभी के लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली होता है, बड़ा महंगा होता है और ऐसे में यह एक स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है जो कि काफी सस्ती भी है और अच्छा भी है। तो अब अगर यह सस्ता है तो इसको जो है सैनिकों को दिया जा सकता है। याद रखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाभा कवच। क्या नाम दिया गया है? भाभा कवच। जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा का, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया भाभा कवच। तो याद रखिएगा भाभा कवच आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, करा भाभा कवच को आयुध निर्माण बोर्ड और मिश्र धातु लिमिटेड जैसे संगठनों ने मिलकर तैयार किया है और इसको जो है इस बार की प्रदर्शनी में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा विकसित विश्व के सबसे सस्ते गनशॉट लोकेटर का नाम क्या है। ये गनशॉट लोकेटर पता क्या होता है? ये गनशॉट लोकेटर एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जो पूरे सर पर पहना जाता है और हाथ में जो है एक इंडिकेटर लगा होता है। इससे क्या है ना कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह के हथियार हैं तो आप उनको दूर से ही देख पाओगे। ठीक है, कि उनके पास हथियार हैं, तो ये इसीलिए ये नाम दिया गया दोस्तों गनशॉट लोकेटर। ये जो लोकेटर है ना, ये लोकेशन दिखाता है। यहां पर देखिए, यहां पर इमेज में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं, आपको दिख रहा है? तो ये गनशॉट लोकेटर है और इससे क्या होगा कि हमारी सेना में जो सैनिक हैं उनको बड़ा हेल्प मिल पाएगा। अगर सेना में कोई भी एक व्यक्ति जो आगे आगे बढ़ रहा है अगर वो इस लोकेटर को लगा के चलेगा तो आसपास में कितने लोग उसके सामने हैं और किनके पास कौन कौन सा हथियार है ये दूर से ही नजर आ जाएगा। ऐसे में लोग क्या हो जाएंगे, अपनी बचाव भी कर पाएंगे, अपनी रक्षा भी कर पाएंगे और अपना कार्य भी कर पाएंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों रखा गया है पार्थ। क्या नाम रखा गया है? पार्थ। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पार्थ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है गनशॉट लोकेटर एक ऐसी प्रणाली है जो बंदूकधारी और अन्य हथियारों जैसे कि सेंसर का पता लगाती है, सेंसर के माध्यम से इनका पता लगाती है। इन उपकरणों का उपयोग सुरक्षा, सैन्य, कानून प्रवर्तन और व्यवसायों द्वारा बंदूक की पहचान करने के लिए किया जाता है और डिफेंस एक्सपो जो हुआ था 2020 में उसी में जो है इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। आगे देखिए, वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया, कमीशन माने होता है शामिल करना, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया, ये आर्टिलरी गन है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आर्टिलरी गन हमारे देश में ही बनाई गई है। अभी तक क्या होता था कि हम दूसरे देश पर निर्भर होते थे इनको खरीदने के लिए, तो अब हमारे पास इतनी मजबूती आ गई है कि हम खुद जो है इस तरह के गन बना ले रहे हैं। इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया सारंग आर्टिलरी गन। ठीक है, सारंग नहीं होगा, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आप लिख लीजिएगा, सारंग नाम है इसका। क्या नाम है? सारंग। ठीक है, क्या नाम है? सारंग आर्टिलरी गन। ठीक है, और इसको जो है कानपुर में डेवलप किया गया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी वहां, कानपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहां पर इसको बनाया गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वह प्रौद्योगिकी कंपनी जिसके द्वारा डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया, मतलब आप बोलेंगे और आपकी बातें जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गूगल ने डेवलप किया और इस तरह के कार्य गूगल करता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। और एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में भी
भी इसकी चेंजिंग हो सकती है, स्पीच जो है ट्रांसलेट हो सकता है। आगे देखिए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र स्थित है। ये कहां पर स्थित है? अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा पे आया था कि जो एशियाई शेर हैं उनके जो जीनोम होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन को लेकर के चर्चा में आया था। ये कहां पर इस समय है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए यहां पर दे रहा है कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जिसे हम सीसीएमबी के नाम से जानते हैं, यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कर हाल ही में सीसीएमबी वैज्ञानिकों द्वारा एशियाई शेर के पूरे जीनोम का अनुक्रम किया गया और उसी लिए दोस्तों यह चर्चा में आया था। और आप तो ये भी जानते होंगे कि एशियाई शेर जो है ये लुप्त प्राय श्रेणी में आ चुका है और एशियाई शेर भारत में गिर के जो अभयारण्य है वहां पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर गुजरात में है, वहां पर ही पाए जाते हैं। अब आगे इनको वहां से ला करके बांधवगढ़ रखा जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पीपीपी मोड। पीपीपी माने क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, कह रहा है पीपीपी मोड में संचालित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों कई सारे आईआईटी थे जो पीपीपी मॉडल पे चल रहे थे लेकिन अभी जो है उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन्हें संवैधानिक दायरे में लाया जा रहा है, जिसमें से एक हमारा यहां पर जो दिया गया आईआईटी भोपाल, ये आईआईटी भोपाल भी है। आईआईटी भोपाल के अलावा वो कौन कौन से संस्थान हैं जिनको दर्जा मिल रहा है? तो याद रखेगा आईआईटी भोपाल है, आईआईटी सूरत है, आईआईटी भागलपुर है, आईआईटी अगरतला है और आईआईटी रायचूर है। तो कुल 5 आईआईटी हैं जिनको इस वैधानिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहीं से कूट भी बनते हैं। जब आप जानते होंगे मैटर के बारे में तो आप समझ पाएंगे। हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों ये भुवन पंचायत पोर्टल पता क्या है? दोस्तों इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा और इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिससे कनेक्ट करेगा एक एक गांव को और गांव के बारे में बहुत सारी जानकारियों को आगे बढ़ा पाएगा, जिससे गांव का समावेशी विकास हो पाए। तो याद रखेगा ये भुवन पंचायत 3.0 ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर उस पर वो कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नामक ह्यूमनाइड रोबोट का प्रदर्शन किया? दोस्तों यह रोबोट बनाया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा यह रोबोट बनाया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसरो ने बनाया ये व्योमित्र रोबोट। जरा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, ये व्योमित्र रोबोट है दोस्तों, याद रखेगा। और यह रोबोट गगनयान मिशन के तहत जो है भेजा जाना है और उसके लिए इसको ट्रेंड भी किया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मानव की भांति ये व्यवहार करता है, तो इसको याद रखेगा, ये एक अनोखा रोबोट जो है देखने को मिल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? है व्योमित्र नाम है, लिख रहा है इसरो। ठीक है, कह रहा है इस रोबोट की मुख्य विशेषता यह है कि इंसानों की तरह बात कर सकती है। ध्यातव्य है कि गगनयान की उड़ान से पूर्व परीक्षण तौर पर ह्यूमनाइड रोबोट व्योमित्र को आकाश में भेजा जाएगा ताकि वहां पर यह जाकर यह पता लगा पाए कि वहां की जो परिस्थितियां हैं वो मानव के अनुकूल हैं या नहीं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया गया? यह दोस्तों यह बहुत बड़ा जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको इसरो ने अभी सेंड किया है और याद रखेगा इसको GSAT-30 के माध्यम से भेजा गया। किसके माध्यम से? GSAT-30 के माध्यम से, और बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर माना जा रहा है। और उससे अच्छा बता दूं दोस्तों, ये जो संचार उपग्रह है इसमें क्या होगा कि 5G की टेक्नोलॉजी विकसित करने जा रहे हैं हम लोग और उस 5G पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो अभी आप लोग 4G इस्तेमाल करते हैं तो 5G के लिए देखिए कदम बढ़ चुका है इसरो की तरफ से और उसको जो भेजा गया है। तो GSAT-30 भी आप याद रखिएगा। इसके पहले INSAT-4A को 2005 में लॉन्च किया गया था जो कि इससे संबंधित था। ठीक है, और GSAT-30 जो है ये बेहद ताकतवर है जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली जो है और मजबूत हो पाएगी। आगे देखिए, गगनयान और अन्य प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इसरो की कौन सी नई उपग्रह श्रृंखला लॉन्च करने जा रही है? दोस्तों इसरो और गगनयान इन दोनों प्रोजेक्ट में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो इसके लिए इसरो जो है एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है ISRSS। क्या नाम है? ISRSS। ठीक है, ये ISRSS क्या करेगा? देखिए दे रहा है इन
इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। कह रहा है ये इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम ये इसरो का एक नया उपग्रह है जिसको IDRSS का नाम दिया गया है। पृथ्वी की निम्न कक्षा में भारतीय उपग्रहों को ये ट्रैक करेगा जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक फिक्स ऑर्बिट में पृथ्वी की कक्षा में लगातार वे चक्कर लगाते हैं। तो ट्रैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में रखेगा और उसके माध्यम से जोड़ा जाएगा इन सभी को गगनयान प्रोजेक्ट से, ताकि गगनयान प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सके। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना किया है? दोस्तों ये बाल नवोन्मेष केंद्र जो है यहां पर बच्चों को ले जाया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो इसरो के द्वारा यह भी व्यवस्था स्टार्ट की गई है, ये गुजरात सरकार ने अपने यहां पर शुरू किया है, जिसमें जो है छोटे छोटे बच्चों को के अंदर इनोवेशन नॉनमेस की भावना जो है जागृत की जाएगी। लिख रहा विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त को हुआ था, 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। वे साल 1962 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिक विज्ञान के सेक्शन के अध्यक्ष भी थे। आगे चल के परमाणु ऊर्जा आयोग के भी चेयरमैन बने। और याद रखेगा विक्रम साराभाई का निधन 30 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है? बनाने का प्रस्ताव क्या दिया, अब तो बन भी चुका है, याद रखिए कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में यहां पर जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बना रहा है और कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चैलेकेरे में यह बनाया गया उसके द्वारा। तो याद रखिएगा यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान, तो उनका नाम भी याद रखिएगा आप सभी। खगोलविदों द्वारा खोजे गए सबसे दूर के आकाश गंगा समूह का नाम क्या है? वैसे मुझे भी नहीं याद था, लेकिन जब मैंने पढ़ा इनके बारे में ठीक है तो मुझे पता चल गया। ठीक है, तो याद रखे दोस्तों यहां पर क्या था कि इनका एक अच्छा नाम है, देखो फिर मेरे दिमाग से स्किप कर गया, बहुत अच्छा नाम है, आप कमेंट करके जरा बताइएगा, यहां पे चर्चा नहीं है, लेकिन ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में इनका जन्म हुआ था और अभी ये जो अमेरिका चले गए, तो इसरो के साथ वहां पर नासा के साथ काम कर रहे हैं और वहां पर जाकर के दोस्तों इन्होंने एक ऐसी आकाश गंगा को ढूंढ निकाला है जिसका नाम है IGS-77। ठीक है, 77। तो याद रखिए दूर के आकाश गंगा समूह है और धरती से लगभग 13 अरब वर्षीय दूर है, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है यहां जीवन की संभावना हो। इनका नाम बड़ा अच्छा था, देखो मेरे माइंड में था, स्किप कर गया, बहुत अच्छा नाम इनका था, तो जरा इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? दोस्तों देखिए 5 युवा प्रयोगशाला का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया और DRDO से संबंधित ये प्रयोगशाला है, इनको आप याद रखेगा। किससे संबंधित है, DRDO से। लिख रहा है ये प्रयोगशालाएं देश के 5 शहरों में होंगी, जिसमें जो हमारी मेट्रोपोलिटन सिटी है जैसे मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कलकत्ता है, दिल्ली को नहीं रखा गया इसमें और हैदराबाद है, तो याद रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर संचालित होंगी, बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको लेकर के रिसर्च किया जाएगा। IIT मुंबई स्थित प्रयोगशाला में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर काम किया जाएगा। IIT चेन्नई स्थित प्रयोगशाला में संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी पर काम किया जाएगा। जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता में है, वहां पर असममित प्रौद्योगिकी के नए काम करेंगे जो युद्ध की तकनीकी में विकास करेगा, ठीक है, अनुसंधान करेगा, तो इसको सब आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसरो के द्वारा उस उपग्रह का नाम बताइए, क्या नाम था? अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं GSAT-30, इसी के माध्यम से तो 5G इंटरनेट वाली जो सैटेलाइट भेजा गया उस वो है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर GSAT-30 हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए, कर हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की संभावना बताई है? अभी दोस्तों पिछले साल चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जो कि बड़ी आशाओं के साथ भेजा गया था। कुछ समय के लिए चंद्रयान 2 जो है अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन बाद में उसको ट्रैक भी किया जा सका। ठीक है, तो चंद्रयान 3 भी बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है और अगले साल 2021 में चंद्रयान 3 को भेजने की तैयारी इसरो कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों ये अमेरिकी महिला थी और इसने सबसे लंबा समय बिताया कहां पर, स्पेस में। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, लेगार्ड मत करेगा, क्रिस्टीना कोच इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने इसके पहले 288 दिन का रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, 328 दिन क्रिस्टीना कोच पूरा करके ये वापस आ गई हैं। कह रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? तो इसरो का एक सैटेलाइट आ रहा है जो सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है, जिसका नाम है आदित्य 11। क्या नाम है? आदित्य। ठीक है, एक नई सैटेलाइट है, तो याद रखिएगा यहां पर आदित्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से टॉपिक
टॉपिक वाइज करंट अफेयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं मैक्सिमम। देखिए अब हर क्वेश्चन सेम भी नहीं होता है, जैसे इसमें था इसमें कम क्वेश्चन थे, किसी किसी टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन है, तो किसी में 40-50 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, किसी में 30-35 मिल पा रहे हैं और किसी में 60-70 भी हो गए। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे नेशनल न्यूज हम लोग कवर करेंगे उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, भाई नेशनल न्यूज में तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा। और जैसे बुक्स वाली की बात करते हैं तो पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा बुक्स तो आई नहीं है, मुश्किल से 20-25 किताबें आई हैं, तो उनके बारे में जब एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ इतनी चीजें हैं। बाकी आप इसका पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां विजिट करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.co.in, वहां विजिट करके आप बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं जिसके बारे में यहां पर उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आप जाइए वहां पर डिटेल से अपनी पढ़ाई करिए। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।